मिनी क्यूबा के नाम से जाने जाने वाला भिवानी को मुक्केबाजी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ के मुक्केबाज राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम चमका चुके हैं। यहाँ के न केवल पुरुष मुक्केबाज हैं, बल्कि महिला मुक्केबाज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ले चुके हैं। इन्हें मुक्केबाजों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए भिवानी में 3 दिवसीय थर्ड हरियाणा स्टेट वुमन चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 23 दिसम्बर तक करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 200 के लगभग सीनियर महिला मुक्केबाज विभिन्न 10 भार वर्गों में हिस्सा ले रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हवा सिंह अकेडमी ने जो स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई है, और यहाँ से जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे वो 31 तारीख से जो स्टार्ट हो रही है बेंगलोर में नेशनल चैंपियनशिप, वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया है और अच्छे स्टैंडर्ड है यहाँ पर। आज मेरी पहली फाइट थी और मैंने 1 दफ़ा 5-0 से जीता है भिवानी की लड़की से, और अच्छी फाइट रही मेरी, और अभी कल नेक्स्ट फाइट होएगी और अच्छी तैयारी में हूँ मैं। आगे का क्या लक्ष्य है? फिलहाल तो नेशनल चैंपियन बनना है, हरियाणा का नाम रोशन करना है, उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे अपना परचम लहराना है। हमको जो थर्ड नेशनल स्टेट चैंपियनशिप हो रही है लड़कियों की सीनियर की, अभी इसके बाद जो भी जीतेगा वो नेशनल होगी कर्नाटक में 31 से 6 तारीख को, वहाँ भी पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ नेशनल के बाद 2024 ओलंपिक होना है, लड़कियाँ उसमें से सेलेक्ट की जाएंगी, फिर कैंप लगा जाएगा। ये एक ओलंपिक की पहली स्टेप सीढ़ी है। खिलाड़ी आए हैं, 100 से ऊपर खिलाड़ी हैं, और जिसमें काफ़ी अच्छे वर्ल्ड मेडलिस्ट भी हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भी हैं, सारे अच्छे थे। भिवानी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। ये थी इस समय की बड़ी खबर। समय समय पर अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए एसटीवी।